हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे वॉल नॉट मेथड के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में। तो आज हम वॉल नॉट मेथड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं वॉल नॉट मेथड का यूज किया क्यों जाता है। जो वॉल नॉट मेथड होता है उसका यूज हम करते क्यों है, क्योंकि जो अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े थे उनमें क्या हो रहा था, किसी में तो स्पीड रेटेड से कम की जा रही थी, किसी में स्पीड रेटेड से अधिक की जाती है। अब देखो, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जीरो से लेकर रेटेड तक हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसमें कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेकिंग में काम आता है। तो ये दो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं कि हम डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं पहला, और हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है जीरो से लेकर रेटेड तक। और इसके जो मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हम लास्ट में नोट डाउन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं लास्ट में नोट डाउन कराता हूं। तो कृपया करके आप वीडियो पूरा देखें, उससे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अगर अधूरा किसी वीडियो को देखते हैं तो वो चीजें आपको मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं लास्ट में जो मेन चीजें हैं उनके बारे में, हर चीज के बारे में एक बताता हूं कि जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं या पेपर में आज तक आई हैं, तो उन चीजों के बारे में आपको लोगों को बताता हूं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज वॉल न्यूरॉन मेथड की बात करते हैं। तो जो हमारा वॉल न्यूरॉन मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पीड है, देखो इसमें जो कंट्रोल अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक मोटर और जनरेटर सेट प्रयोग किया जाता है। ये हमारी मोटर है और ये हमारा क्या है, जनरेटर है, ठीक है। और ये हमारी वो मोटर होती है जिसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले चीज क्या आती है कि इसमें एक मोटर जनरेटर सेट प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये मोटर है, अब इसमें मोटर हम कोई सी भी प्रयोग कर सकते हैं, वो एसी मोटर भी हो सकती है और डीसी मोटर भी हो सकती है। फिलहाल हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एसी मोटर का प्रयोग किया है। ये हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया है हमने। अब देखो इस मोटर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको जनरेटर को एक मैकेनिकल एनर्जी देनी होती है उसे घुमाने के लिए या उसके रोटर को रोटेशन करवाने के लिए। तो इसे हम प्राइम मूवर के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे इससे कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा इससे प्राइम मूवर से हमने इसको कनेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या करेगा, घूमेगा हमारा जनरेटर। और ये हमारा क्या हो गया, ये इसके ब्रशेस हो गए, और जो ब्रशेस के माध्यम से हम सप्लाई दिया जाता है मोटर को, ब्रशेस के माध्यम से सप्लाई दी जाती है मोटर को, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे हम एक डीसी लाइन बनाते हैं, ये हमारी डीसी लाइन है, ये हमारी डीसी लाइन हो चुकी है इस प्रकार से, और ये प्लस माइनस हो गया, और ये हमारी क्या है, डीसी लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम इसके वाइंडिंग को बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग को बनाया गया है ये, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और यहाँ पे हमने एक चेंज ओवर स्विच का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम डायरेक्शन, जब हमको डायरेक्शन रोटेशन करनी होती है या डायरेक्शन की मतलब जो मोटर की डायरेक्शन अगर हमको चेंज करनी होती है रोटेशन की, तो हम उसके लिए चेंज ओवर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम पहले कंडीशन में हमने इस प्रकार से स्विच को कनेक्ट किया है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे आई एफ है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फ्लक्स हो गया फाई एफ, ठीक है। और इसी प्रकार से हम मोटर को भी क्या देते हैं, एक कांस्टेंट फील्ड में इसके, या इसके फील्ड में क्या देते हैं, कांस्टेंट सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं एक्साइटेशन के लिए, जो इसको एक्साइटेशन मिलती रहे इसके फील्ड को, ठीक है। ये हमारा जनरेटर है, ये हमारी इंडक्शन मोटर है, और ये हमारा क्या है, मोटर सेट है, जिसका हमको सीरीज मोटर हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है, आपका शंट मोटर हो सकती है, जिसका हमको स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कि हमने क्या किया है, यहां पे जो यहां से सप्लाई दी है जनरेटर के माध्यम से, हमने किसको दी है, जो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज, जो यहां से आउटपुट वोल्टेज है वो किसका इनपुट है, वो मोटर का इनपुट है। मतलब जो हमारी मोटर है उसका इनपुट क्या है, जो जनरेटर का आउटपुट है वो क्या है, इसका इनपुट है। तो हम इस मेथड को क्या कह सकते हैं, इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि इसे क्या कहा जा सकता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी कहा जा सकता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है,
तो इसका नाम क्या हो सकता है, इसे हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ये कार्य किस प्रकार से करता है। तो देखो जब ये कार्य की बात करते हैं तो ये हमारे का रियोस्टेट एक लगा रखा और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि जो अगर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होने शुरू हो जाएगी कि जो हमारी फील्ड करंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा कभी भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा रियोस्टेट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी आईएफ है क्या होने शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जब आईएफ कम होनी शुरू हो जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि आईएफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, फ्लक्स होता है। तो उस कारण हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होने शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जो हमारा जनरेटर होता है, जब हमारा जनरेटर में फ्लक्स कम होता है तो कहीं ना कहीं जो ईजी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो ईजी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाइ एफ के होता है, फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा आईएफ फाइ एफ भी कम, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा और जो हमारा ईजी है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो R भी कम होगा, R बढ़ेगा तो IF कम होगी, IF कम होगा तो फाइ एफ कम होगा, फाइ एफ कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो EG है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब हमारा EG कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये जो हम टर्मिनल वो भी कम होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमारी टर्मिनल वोल्टेज ही कम हो गई तो कहीं ना कहीं इसको सप्लाई भी क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, कम शुरू हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसकी सप्लाई वोल्टेज है वो भी घटनी शुरू हो जाएगी। अब देख जब इसकी सप्लाई वोल्टेज घटनी शुरू हो जाएगी तो जो सब सप्लाई ही कम मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसके में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा या ईबी होगा वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, अब जब इसके आर्मेचर को ही कम मिलेगी वोल्टेज तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इसका जो टॉर्क होता है, जो रोटेशन जो हमारा टॉर्क होता है, क्योंकि टॉर्क बराबर हमको मैकेनिकल पावर के जो हमने पढ़ा था, मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या होता था, टी ओमेगा, या फिर मैकेनिकल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके बराबर ईबी इंटू आईए के होती थी। तो जब हमारा ये ही कम हो चुका है, सप्लाई कम हो जाएगी तो आईए भी कम, और कहीं ना कहीं जब आईए कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो हमारा ओमेगा टी है या फिर जो हमारा टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो उसे रोटेशन करवा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जिस कारण क्या हो जाएगा कि मैकेनिकल पावर जब हमारी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस मेथड के माध्यम से हम इसके फील्ड फ्लक्स को कम कर सकते हैं। फील्ड फ्लक्स से हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा इजी हो कम होगा, इजी कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगी, टर्मिनल वोल्टेज कम होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे वीएस है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वीएस कम होनी शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मोटर की स्पीड घटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब उसको मैकेनिकल पावर ही कम मिलेगी तो जो उसका रोटेशन है वो क्या होना लग जाएगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम धीरे धीरे जीरो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फील्ड करंट को जीरो करेंगे तो आईएफ जीरो होगा, आईएफ जीरो होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इजी भी जीरो होगा, और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर कहां तक, रेटेड तक। इसलिए इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, जीरो से लेकर रेटेड स्पीड तक हम वाइल्ड न्यूटन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया स्पीड कंट्रोल का, अब हम बात करते हैं इसके रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जाता है। जब हम क्या करेंगे, जब हम चेंज ओवर स्विच के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को ही रिवर्स कर देंगे यहां से। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हम इसके कनेक्शन को ही रिवर्स कर दें, देखो जब इसके कनेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो करंट की डायरेक्शन पहले इधर से आ रही थी, अब किस प्रकार से जाएगी, अब यहां से आईएफ आएगी। तो रिवर्स हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा, क्योंकि आईएफ विपरीत है। तो ईजी भी क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब जो हमारा फाइ एफ है रिवर्स हो चुका है तो ईजी भी क्या हो जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं ईजी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब फाइ एफ रिवर्स तो ईजी भी रिवर्स हो चुका है। ठीक है, आप इसको नेगेटिव चिन्ह को यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको सिर्फ ये जानना है कि क्या हो जाता है, जब आई एफ जब फाइव एफ मतलब वो हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा तो ईजी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब देखो जब ईजी रिवर्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मतलब कि ये हमारा अगर पहले पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो जब पोलैरिटी चेंज हो गई है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रोटेशन है वो उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखो जब किसी मोटर की भी डायरेक्शन को रोटेशन या उसकी मतलब जो रोटेशन की डायरेक्शन है अगर हमको उसको चेंज करना होता है तो या तो हम फील्ड के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं या फिर हम आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा फील्ड है ये तो कॉन्स्टेंट एक सप्लाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने क्या कर दिया, आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया है।
जिस कारण से क्या हो चुका है, जो हमारी मोटर है उसकी स्पीड मतलब वो विपरीत दिशा में क्या हो उसका, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या है वो घूमना शुरू कर देगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये चीज यहां से समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब देखो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखो एडवांटेज हम समझ चुके हैं कि इसमें एडवांटेज हैं क्या। वैसे जिसमें एडवांटेज होते हैं, पहला एडवांटेज का ये होता है कि इसकी स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो जीरो से नॉर्मल या रेटेड तक कर सकते हैं। मतलब स्पीड को क्या किया जा सकता है, जीरो से नॉर्मल तक चेंज किया जा सकता है, पहला। दूसरा, डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तीसरी चीज जो होती है कि इसमें जो स्पीड रेगुलेशन हो क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब लीनियर होता है। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को घटाते चले जाएंगे कहीं ना कहीं, वैसे वैसे क्या होने लग जाएगा, इसकी स्पीड भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। जिसका स्पीड रेगुलेशन होता है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसके जो मेनली पॉइंट है तीन है। अब जब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज की, जिसके डिसएडवांटेज होते हैं, अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका जो डिसएडवांटेज मेन डिसएडवांटेज होता है कि क्या होता है, कॉस्टली होता है। क्या होता है, कॉस्टली होता है। अब देखो कॉस्टली क्योंकि इसमें हम मोटर या जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब इसमें मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये मेथड क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि इसको कभी भी लाइट लोड में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लाइट लोड पे यूज होता है, अगर हम इसको लाइट लोड पे यूज करते हैं तो इसकी, अगर हम इसको लाइट लोड पे यूज करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जो इसकी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। मतलब लाइट लोड पे अगर हम यूज करते हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे मतलब कम भारे में प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो क्या होता है, कम हो जाती है। इसलिए कभी भी इसको लाइट लोड पे प्रयोग नहीं किया जाता जहां पे लोड हमको क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तो ये इसके कुछ मेन एडवांटेज है, सॉरी डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस भी क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि मेंटेनेंस भी इसमें क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। जिसमें मेंटेनेंस है, जिसमें मेंटेनेंस ये होती है, क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, फ्रीक्वेंट होता है। क्योंकि इसमें हमारा मोटर जनरेटर सेट प्रयोग किया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि अगर देखो अगर हम ज्यादा इक्विपमेंट प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो सकता है, उसमें खराबी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जो मेंटेनेंस है उसकी भी क्या होती है, ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेनली क्या है, डिसएडवांटेज होते हैं, तो कॉस्टली है, एक इसको लाइट रोड पे कभी यूज नहीं करना चाहिए, दूसरा क्या होता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और मेंटेनेंस की भी क्या पड़ती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की। देखो इसके जो यूजेज हैं, मैंने पहले कहा है कि इसके जो यूजेज हैं वो क्या है, ज्यादातर हैवी, जहां पे हैवी लोड होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हैवी लोड होना चाहिए, और जो टॉर्क हो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, मतलब हैवी लोड भी हो और टॉर्क क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यूजेज की बात करें तो यूजेज क्या होते हैं इसके, पहला यूज होता है रोलिंग मिल में, मतलब जो हमारी रोलिंग मिल्स होती हैं उनमें क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो रोलिंग मिल्स होती हैं उसमें भी इसका यूज होता है। दूसरा, जो हमारी क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स में भी इसका प्रयोग होता है। तीसरा जो चीज होती है वो होते हैं कि जो हमारे पेपर मिल होती है, जो हमारी पेपर मिल होती है उसमें भी इसका यूज होता है। और जो आपका जो हमका डीजल लोकोमोटिव, मतलब जो हमारा डीजल लोकोमोटिव होता है उसमें भी इसका ये प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके बेसिक से यूज है, और हम हॉइस्ट में भी कभी कभी इसका यूज करते हैं, ठीक है। किसमें प्रयोग किया जाता है, हॉइस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके यूजेज करते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे होंगे इनमें क्या होता है, टॉर्क कॉन्स्टेंट होता है, लोड ज्यादा होता है। क्रेन्स भी हाई लोड की जगह जहां पे टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है। पेपर मिल्स कहीं ना कहीं हमको एक कंटिन्यूअस टॉर्क चाहिए होता है, मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, डीजल लोकोमोटिव मतलब जो हमारे ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन में क्या होता है कि वहां पे हमको क्या चाहिए होता है, टॉर्क एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तीसरी चीज होती है हॉइस्ट, हॉइस्ट मतलब जो गाड़ियां वगैरह उठाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, कभी
या फिर जहां पे हमको हैवी वेट को उठाना पड़ता है वहां पे हम हॉइस्ट का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक टॉर्क कांस्टेंट चाहिए होता है हमको, ठीक है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे जो रिवर्सिंग करनी होती है, देखो अगर रिवर्सिंग क्या होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, तो हमने क्या समझा, एक ये क्या होता है, एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है, मतलब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, दूसरा अगर इसकी स्पीड को रिवर्स करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करना होगा, और अगर हमको स्पीड को कम करना है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, जो आपका क्या होता है, जो हमारा जनरेटर का क्या फील्ड वाइंडिंग, उसका कहीं ना कहीं हमको रियोस्टेट के माध्यम से उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, फील्ड करंट कम करनी पड़ेगी, फील्ड करंट कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ कम होगा, ईएमएफ कम होगा तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वोल्टेज कम होती है, टर्मिनल वोल्टेज अगर कम होती है कहीं ना कहीं तो क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज है मोटर की वो कम होती है, सप्लाई वोल्टेज कम होगी तो उसको मैकेनिकल पावर कम मिलेगी, मैकेनिकल पावर कम मिलेगी तो उसकी रोटेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के मतलब जो भी डाउट है उनको क्लियर कर सकूं। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी डाउट होता है कि कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो आप डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि ये हमारे डाउट हैं। धन्यवाद।